सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मनीषा बजवाल और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत सी वादियों से। अभी सुबह के करीब 10 बजने को हैं और मौसम की अगर बात करें तो चटक सी धूप लगी हुई है और मौसम आज का काफ़ी सुहावना हो रखा है। और अभी हमारी तैयारी है, यानी कि मेरी और बच्चों की तैयारी है हमारी पुप ससुर जी के घर पे जाने की। पुप ससुर जी बोलते हैं हस्बैंड जी की बुआ को, तो मेरे मायके वाले गांव में ही उनका ससुराल है, उनका घर है, तो हम लोग आज उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। तो अभी हम लोग घर से काफ़ी ऊपर आ गए हैं, रास्ता काफ़ी चढ़ाई वाला है और साथ में तेज़ वाली धूप भी हो रही है। और यहाँ से जो मायके वाले गांव का व्यू है ना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। और साथ में यहाँ पे एक बड़ा सा पॉली हाउस भी बन रखा है जिसके अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे पौधे हो रखे हैं, काफ़ी हरे भरे हो रखे हैं। तो पहले आप लोगों को गाँव का व्यू दिखाती हूँ। और यहाँ पर जो है तेज़ धूप के साथ साथ ना ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, क्योंकि यहाँ आप लोग चेक कर सकते हैं काफ़ी सारे बांज और बुरांस के पेड़ हैं। बांज के पेड़ पौधे ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो है ठंडी ठंडी हवाएं बहुत अच्छे से चल रही हैं। नैनू को देखिए, इतना पसीना आ गया है नैनू, धूप हो रही है, नैनू का चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया है नैनू। तो चलिए जी, अभी यहाँ ऊपर जो है पुप ससुर जी लोगों का घर भी आ ही गया है। और यहाँ पे देखिए जो बड़ा सा पॉली हाउस है, उसके अंदर तो हुआ ही, लेकिन बाहर भी जो है काफ़ी अच्छे अच्छे मिर्च के पौधे लगाए हुए हैं, काफ़ी बड़े मिर्च के पौधे हो गए हैं। और यहाँ इस साइड देखिए छोटे छोटे फूल के पौधे भी हो रखे हैं। तो चलिए जी, अभी हम लोग भी आ गए हैं पुप ससुर जी के घर पे। करीब 6 बजने को हैं और ये रही मेरी छोटी वाली पुप ससुर जी, यानी कि मेरी हस्बैंड जी की बुआ जी। तो इनकी हाल खबर पूछने के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे, इनकी बहुत थोड़ा बहुत तबीयत ख़राब हो रही थी, तो इसलिए हम लोग यहाँ आए हुए थे। बाकी ये रहा इनका घर, तो ढंग से देखा, वाह बड़े स्वास्थ्य वाह। और बड़ी वाली पुप ससुर जी जो है ये वाली हैं, तो काफ़ी बड़ी फैमिली है और घर का एरिया भी देख सकते हैं वहाँ से है, और यहाँ इस साइड भी है। तो अभी बच्चे जो हैं वो काफ़ी कम हैं घर में, तो अभी हम लोगों की घर जाने की तैयारी भी हो रही है। ये तो गंदी छौ, ये तो धर है, एक ये गंदी लग जा, ये तो गंदी है, गंदी या गंदी है, तू के दे बने, तू के दे बने, गंदी है। तो ओ ओ
तो ये हैं पुपू जी जो हमको यहाँ पे छोड़ने के लिए आई हुई हैं। बाकी यहाँ खेत में देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी मिर्च की पौधे हो रखे हैं। कब आ लगे हैं तुम उन्हें इतनी बड़ी पलटन हमको छोड़ने के लिए आ रखे। और ये रही हमारी बड़ी वाली पुप ससुर जी, दोपहर में दिखा नहीं पाए। अच्छा तो चलिए जी, यहाँ तक भाभी लोग भी मुझे छोड़ने के लिए आए थे। दीदी बोल, मेरी दीदी लोग दीदी तारा ठीक चितावा, बाय ठीक चितावा। अरे ब्याह यार है ओ तो भाभी का छन। तू कुछ छ, तू कुछ छ ठीक चितावा। अरे कौन फान करे कातर बा वो ना ताई के हैं। और काव्या नैनू अभी हम तीनों जो है माँ लोगों की गौशाला जा रहे हैं, क्योंकि माँ गई है खेतों में, तो वहाँ से माँ आएगी सीधे गौशाला को। और वहाँ हम लोग ये डब्बा ले जा रहे हैं दूध निकालने के लिए भैंस से। अपना नाम है काव्या। एक एक करके बोलो ना, पहले आप बताओ आप कहाँ जा रहे हो। हेलो दोस्तों, तो हम अपना नाम है काव्या और आज हम जा रहे हैं गौशाला। उधर गाय भी रहती है, बहुत काम है इधर, बहुत काम है। हम कल जाएंगे अपने घर। घर नैनो आप कहाँ जा रहे हो। गौशाला में खोजने जा रहे हो। क्या खोजने जा रहे हो आप। चलो फिर है ना इधर पर, इतना ज्यादा कबाड़ है इधर पर। ये तो पते है ना कबाड़ कहाँ है। चलो इधर पर ना सफाई कर लेते भाई। भाई सफाई कर, इतना घना जंगल है ना नानी के घर के आसपास। देखो नैनू को रास्ता पता नहीं है, वो पता नहीं कि आगे रास्ता लग रही है फिर भी है ना। बहुत ज्यादा चीज बोले हम, हमारा मुंह का नहीं जाता है और कौन नहीं कहता। और आपको दूसरी वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि हमारा पापा अब आने वाला है, उधर दिखाएंगे अपना। चलो ना पानी ना से दे आजा अपना गोफा, अपना गाय भी दिखा, गाय भी दिखाएंगे गोफा उधर तक बनानी है हमने पहले वीडियो, तब आपको हमने ना का गोफा ला दिखाएंगे। वो नहीं है यार, मम्मा ये है ना, ये रही ना। ये रही अरे दादा ले जिसे पानी आता है। ये देखो इधर पहले सीधा चल, वो नहीं गया ले। वो बैल मारता भी है भाई। बैल माता थे कि जी, बैल माता हो नहीं गाय माता। क्या हुआ। तो अभी हम लोग भी आ गए हैं यहाँ गौशाला में, और घर रह गया है उस तरफ माँ लोगों का। तो सामने का नज़ारा कुछ इस तरह का है अभी शाम के टाइम। और यहाँ देखिए आजकल धान जो है इतनी बड़ी बड़ी हो गई है गुड़ाई करने के बाद।